आप सबको जय मसीह की मेरी तरफ से और डेली शहर से। और हम आपके लिए दुआ मांगते हैं कि आप सब अच्छे हों, कुशल हों, और हम सब एक बार फिर से मिल रहे हैं। इसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो एक बार फिर से मुझे मसीह मंडली पेज पर, आगरा मसीह मंडली पेज पर लेकर आया है। और आई होप दिस विल बी ए वंडरफुल टाइम ऑफ द इवनिंग इन वर्शिपिंग द लॉर्ड एंड शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो आइए सबसे पहले हम गीत गाते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हाले लुया हाले लुया हाले लु हाले हाले लुया हाले लुया हाले लु। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हाले लुया हाले लुया हाले लु हाले हाले लुया हाले लुया हाले लु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तूरी मैं स्तुति करूँ, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हाले लुया हाले लुया हाले लु हाले हाले लुया हाले लुया हाले लु। एक और गीत है जो कि परमेश्वर की स्तुति में ही बनाया गया है, और वो गीत इस तरह से। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, मेरी सांस
सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हाँ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। अब कोई सिंपल सा गाना गाएंगे जो सबको आता हो, और उसमें मुझे वो वाला आता है आशीष तुझसे चाहते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो आपने दी है, इस सुंदर जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है एक उपहार के रूप में। और आपने हमको ये जीवन दिया है जिसमें हर तरह की सुख और सुविधाएं दी हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एंड अबव ऑल आपने हमारे दिल में हमारे अंदर अपनी पवित्र आत्मा दी है, और यीशु मसीह का ये मंदिर है, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस समय जब हम प्रभु की आराधना और स्तुति करने जा रहे हैं, प्रभु का वचन बांटने जा रहे हैं, प्रभु जी हम सबके कानों को खोल दें, हम सबके दिलों को खोल दें। और प्रभु जी आप जो भी बातें हमसे करना चाहते हैं पिता, आप हमसे करिए, और होली स्पिरिट हमको गाइड करिए, और जो आप लोगों से और हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु जी वही मेरे मुंह से बुलवाइएगा। और प्रभु आप बढ़ें और मैं घटूं, इसमें आपकी महिमा हो, हर वर्ड से और हर चीज़ से आपकी ही महिमा हो प्यारे प्रभु जी। पर हम विनती करते हैं सारे सुनने वालों को जो इस समय यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और जो प्रभु जी बाद में भी सुनेंगे, उन सबको अपने अपने शब्दों से परिपूर्ण कर दे, और अपनी बरकतों से मालामाल कर दे। और हमारे भाई अनुपम और शबनम जी को भी बहुत सारी बरकतें दे प्यारे प्रभु, और उनके द्वारा अपनी सेविकाई को कराते रहें, और उनको सुरक्षित रखें, और उनको बहुत सारी आशीष दें। और इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। इसे सुनिए और कबूल करिए, और इसको सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं इन जीसस नेम आमीन।
सो जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि लास्ट टाइम हम प्रभु की प्रार्थनाओं के विषय में बात कर रहे थे, और उस दिन इतना ज़्यादा लास्ट में प्रॉब्लम हो गया था कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी, और बार बार घंटी बज रही थी दरवाजे पर, और मेरे फ़ोन की घंटी भी बज रही थी, और इसके लिए मैं बहुत परेशान हो गई थी और इतना ज़्यादा विघ्न आ गया था, और इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। तो इसलिए हम आज फिर से ये वाला टॉपिक थोड़ा बहुत इसका सारांश लेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ, जैसे कि जिंदर सिंह जी आप आए हैं, इसके आपका स्वागत हो, और बहुत से लोग भी पीछे से जो सुन रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। सो हमने देखा था कि प्रार्थनाओं के उत्तर में विघ्न क्यों आता, प्रार्थनाओं में बाधाएं क्यों आती हैं। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं पर हमको उसका उत्तर नहीं मिलता है, और हम सोचते हैं परमेश्वर ने तो ऐसे कहा था, परमेश्वर ने तो वैसे कहा था, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर ने तो कहा है कि तू मांग और तुझे दिया जाएगा, और तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये सारा कुछ हमारे मन में ये सारे विचार आते हैं, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुन रहा है, क्या कारण है, हमारे अंदर क्या कोई कमी है, या परमेश्वर का कोई और प्लान है जो कि हमसे वो बात नहीं कर रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। ये सब बातें हमारे मनों में आती हैं जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने हमको सबसे बड़ी प्रार्थना सिखाई थी, जो कि एक छोटी सी प्रार्थना है लेकिन वो बहुत पावरफुल प्रार्थना है, और उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो है आप सबको पता है कि ये मत्ती 6 में दी गई है, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे। तो आप सबको ये प्रार्थना बाई हार्ट याद है, और आज भी कई जगह कई बार जब हम चर्च में जाते हैं तो ये प्रार्थना जो है होती है, और हम सबके साथ मिल के ये प्रार्थना करते हैं। ग्रेस बजन सिस्टर आपका भी हम स्वागत करते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हम ये प्रार्थना आज भी जो है अपने अपने पर्सनल टाइम में ये प्रार्थना करते हैं, ए हमारे बाप तू जो आसमान पे है। और हमारा अपने बाप से कितना गहरा कितना घनिष्ठ रिश्ता है, जो एक बच्चे का अपने बाप से होता है। हमारा जो ज़मीन पे जो दुनिया में बाप होता है वो हमसे कितना कितना ज़्यादा प्यार करता है, और उससे भी मच मोर बहुत कहीं ज़्यादा प्यार हमारा स्वर्गीय पिता करता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर महान है, और हम सबको वो बहुत प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। रवि राजू जी आपका स्वागत करते हैं, और गॉड ब्लेस यू। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा बहुत ही ज़्यादा महान है, और कई बार हम मुसीबतों में फंसते हैं लेकिन हम मुसीबतों से निकल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और हमारे विश्वास के अनुसार वो करता है। अगर हमारे मन में विश्वास है कि प्रभु हमको इस मुसीबत से निकालेगा तो वो हमको ज़रूर उस मुसीबत से निकालता है। और हम कितने भी, जैसे दाऊद कहता है कि मैं कीच में फंसा हुआ था और मैं गड्ढे में गिरा हुआ था, मैं जाल में फंस गया था, लेकिन प्रभु आपने मुझे इसमें से निकाला। तो वो क्यों? क्योंकि दाऊद जो है वो परमेश्वर को पुकारता था, जब भी वो मुसीबत में होता था तो वो परमेश्वर को पुकारता था, इसलिए वो बच जाता था। और हमने भी अपने लाइफ में बहुत बार ये अनुभव किया है कि जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं और दुहाई देते हैं उसकी, तो परमेश्वर हमको बचा लेता है। तो हमने ये भी देखा था कि कितने तरह की प्रार्थनाएँ होती हैं, तो यहाँ पर हमें 5 तरह की प्रार्थनाएँ लिखी हैं। नंबर 1 इज प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन। प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन मीन जब हम प्रभु से कोई चीज़ मांगते हैं, जैसे कि हम मांगते हैं कि हमारी पढ़ाई हो जाए, हम कभी मांगते हैं कि हमारा घर अच्छा सा बन जाए, कभी हमारे पास जॉब नहीं होता है तो हम अपनी
जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सारी जो डिमांड्स होती हैं हमारी वो हम प्रभु से मांगते हैं। कभी कभी कोई बांझ स्त्री होती है तो अपने लिए संतान के लिए वो प्रार्थना करती है, रो रो के प्रार्थना करती है, जैसे कि हन्ना ने की थी। हन्ना आप सबको पता है कि वो मंदिर में कैसे उसने रो रो के प्रार्थना करी थी। तो इस तरह से ये जो है ये होती है प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन। सो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि कई लास्ट टाइम भी हमें इस बात को बता चुके हैं। देन सेकेंड इज द प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग। प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और ये जो धन्यवाद है ये एक तरह का सैक्रिफाइस होता है। पुराने ज़माने में तो लोग गाय बैल बकरे बकरियों का सैक्रिफाइस देते थे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन आज जब से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके जब उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, अपना लहू बहा दिया, तो किसी भी सैक्रिफाइस की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हम उसे थैंक्स गिविंग का सैक्रिफाइस दें, हमारा मन हमेशा उसको थैंक्स कहे, उसको धन्यवाद करे, और धन्यवाद से वो बहुत प्रसन्न होता है। और धन्यवाद के बहुत सारे फायदे हैं। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो एक बात तो ये कि परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है, दूसरा हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात होती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि धन्यवाद देना एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और जब हम उस पॉजिटिव एटीट्यूड को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है, इम्यूनिटी होती है, वो बढ़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और जब हम थैंक्स देते हैं प्रभु को और तो हमारे चेहरे पे एक नई प्रकार की रोशनी होती है, और हमें हमारे मुंह लटके हुए नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो हमारा जीवन प्रभु को थैंक्स देते समय बहुत ही सुंदर हो जाता है। और जो शरीर में जो हमारे इस प्राण में हमारे जीवन में जो कुड़कुड़ाहटें होती हैं, बड़बड़ाहटें होती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप देखिए इज़राइलाइट्स में, इज़राइलाइट्स ने कितना प्रभु को धन्यवाद जब नहीं दिया, और जब वो विल्डरनेस से गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, वो कुड़कुड़ाए और वो बड़बड़ाते रहे कि प्रभु आपने हमें ये नहीं दिया, प्रभु आपने हमें वो नहीं दिया, और हम तो मिस्र में ही बहुत अच्छे थे, वहाँ बहुत अच्छा हमें खाना मिलता था, बहुत अच्छे घर थे हमारे, और बहुत अच्छे कपड़े हम पहनते थे, और प्रभु आपने हमको क्या कर दिया, उस मिस्र से निकाल के हमको इज़राइल में अपना रहे हैं, लेकिन हम दुखों का सामना कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, क्या परमेश्वर खुश था? नहीं, परमेश्वर खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसको दुख हुआ कि उसके अपने ही बच्चे जो हैं वो कुड़कुड़ा रहे हैं, और उसने उनको उसके लिए कई तरह की ताड़नाएँ भी दी, यातनाएँ भी दी, और कोई भी जो इज़राइलाइट्स है वो क्या हुआ, वो जा नहीं सका, वो जो है प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं कर सका। सो इससे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, हम जब हमारा मन धन्यवादी नहीं होता है तो परमेश्वर हमसे नाराज़ होता है। तो हमें हर समय धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर का। और कभी कभी हमारे साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बहुत बुरी बातें हो जाती हैं, हमारे पर अभाव हो जाता है, हमारा जॉब चला जाता है, और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे जीवन में, मैं तो परमेश्वर को बहुत मानता हूँ, मैं तो परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे प्रियो, उसमें परमेश्वर की कोई योजना होती है, क्योंकि आप अगर यरमायाह 29:11 पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, और वो योजनाएं जो है वो हानि की नहीं बल्कि किसके लिए, हमारे लाभ के लिए हैं। तो जब भी हमारे को मुसीबत आती है, कोई बुराई आती है, तो हमको उस समय भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। जैसे कि जोसेफ जब गड्ढे में चला गया था, उसको लोगों ने, उसके भाइयों ने ही गड्ढे में डाल दिया था, और उन्होंने उसको बेच दिया, कुछ काफिला जब जा रहा था उसको बेच दिया, लेकिन परमेश्वर की कुछ योजना थी, और परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ा इंसान बना दिया कि उसके भाई और उसके माँ बाप सब उसको सिजदा करने आए।
तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे जीवन में जो बुराई आती है वो आगे के लिए कुछ अच्छाई बन जाती है। और इसी तरह से कई बार मैं चाहती हूँ कि आपको अपने जॉब के बारे में बताऊं कि जब मैं एक साल के लिए जॉब कर रही थी मोगा पंजाब में, और वहाँ पे भी मेरी पोस्ट प्रिंसिपल की ही थी इन द नर्सिंग कॉलेज, और वहाँ पर मैं खुश नहीं थी। एक तो वहाँ बहुत लोनलीनेस थी, फिर पूरे महीने मुझे वहाँ रहना पड़ता था, और वहाँ से अपने घर आने के लिए मुझे दो बार जो वाहन चेंज करना होता था, मोगा से लुधियाना बाई बस, और फिर जो लुधियाना से दिल्ली बाय शताब्दी ट्रेन। तो इस तरह से मैं अपना सामान उठा उठा थक जाती थी, क्योंकि इस एज में बहुत मुश्किल होता है अपना सामान उठा के चलना, और हर जगह हमें कुली भी नहीं मिलता है। और इस तरह से क्या होता था कि मैं बहुत दुखी हो जाती थी, इवन वहाँ के मैनेजमेंट से और वहाँ के एटमॉस्फेयर से मैं बहुत दुखी रहती थी। और हुआ क्या कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, और इतनी ज़्यादा बीमार पड़ी कि मुझे बहुत बुरा डिप्रेशन हुआ, और मैं वहाँ पर एक दिन भी ड्यूटी उस डिप्रेशन के बाद नहीं जा सकी। मैं इतनी ज़्यादा उदास रहने लगी कि मैं बिस्तर से भी उठ नहीं सकती थी, और अगर कोई मुझसे मिलने आता था तो मैं उसको मना कर देती थी कि मैं मिलना नहीं चाहती हूँ, और उनको दरवाजे से ही वापस भेज देती थी। और कई बार तो वो लोग अंदर आ जाते थे तो मैं सोने का बहाना करती थी, और मैं आंखें अपनी खोलती ही नहीं थी। तो इतनी ज़्यादा मैं बीमार पड़ गई थी। फिर एक दिन मैंने सोचा इनफ इज इनफ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ तो मेरा जीवन जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, मुझे यहाँ से छोड़ के जाना चाहिए, और प्रभु की यही इच्छा हो सकती कि मैं इस जगह को छोड़ दूँ। और फिर मैंने क्या किया कि उस जगह को छोड़ने के लिए सोचा मैं कैसे छोड़ूँ इस जगह को, अगर मैं मैम से कहती हूँ कि मैं जाना चाहती हूँ तो वो क्या सोचेंगी, वो मुझसे कारण पूछेंगी, मैं फिर अगर मैं कहूँगी मैं ठीक नहीं हूँ तो वो कहेंगी कि चलो हम दवाई दिलवा देते हैं। ऐसा उन्होंने किया भी, उन्होंने ले जाके डॉक्टर को दिखाया और दवाइयाँ भी दिलवाई, पर उन दवाइयों से मेरी हालत और भी ख़राब हो गई। और मैं वहाँ से जो एक दिन मेरे घर से जो है फ़ोन आया कि मेरी छोटी बेटी बहुत बीमार है, और उसको जो है ऐसे कुछ ब्लड में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, और मुझको जो है तब लगा कि मुझे तो अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा। फिर मैंने अपने बॉस से कहा कि देखो मेरी बेटी बीमार है, उनका फ़ोन आया है, और अब तो मुझे यहाँ से जाना है, उसके साथ रहना है, क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं है, मैं और मेरी बेटी बस घर में है, और इस समय वो बिल्कुल अकेली है। तो फिर इस तरह से क्या हुआ कि शाम को परमिशन ली मैंने, फिर रात को मैंने क्या किया, अपना सामान सारा पैक किया, और बाय चांस मैंने सोचा कि चलो अब मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊँगी, और सवेरे सवेरे मैंने बस पकड़ी वहाँ से, और वो सिस्टम जो था शाम को चलना फिर शताब्दी पकड़ना उसमें तो बहुत टाइम लग जाता, और मैं वहाँ से निकल पड़ी, और फिर मैं दिल्ली पहुँच गई, और दिल्ली में जो है बेटी की देखभाल करी, और उसको डॉक्टर के पास दिखाया, और मैं अपने आप भी डॉक्टर के पास गई। इस तरह से जो है उस जगह से मैं निकल आई, जैसे कि प्रभु ने मुझे मिस्र से इज़राइल में या प्रॉमिस लैंड में लाके खड़ा कर दिया हो। और एक जो सी था, जो सी दो भागों में बट गया हो, और उस समुद्र के दो भागों में बटने से मैं वहाँ से निकल आई हूँ। और इस तरह से जब मैं निकल आई तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप तो जॉब नहीं कर रही हो, अब घर कैसे चलेगा, क्योंकि आप तो अकेली कमाने वाली हो तो घर कैसे चलेगा, मतलब वो बहुत चिंता में पड़ गई। और मैंने कहा तुम बेटा फिक्र मत करो, प्रभु है हमारा, वो महान है, और वो हमें ज़रूर हमारी जो है सहायता करेगा, यू डोंट वरी। कि इस तरह से जब मैंने कहा तो मेरी कॉल जो है पटियाला राजपुरा से आ गई, राजपुरा पटियाला में उनको बहुत ही जल्दी एक प्रिंसिपल की ज़रूरत थी, और उन्होंने कहा कि आप तुरंत यहाँ पे आ जाओ और हमें ज्वाइन कर लो। और जब हमने वहाँ पे ज्वाइन किया तो बहुत ही खुशी की बात थी कि वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, कॉलेज बहुत अच्छा है, और साथ में उन लोगों ने जितनी सैलरी मुझे यहाँ मिल रही थी मोगा में उतनी ही सैलरी ऑफर करी, और वो भी केवल 4 दिनों के लिए।
तो आप सोचिए कि कहाँ पूरे मंथ की सैलरी मुझे मिलती थी, वो मैं 4 दिनों में यहाँ पे कमा लेती हूँ और बाकी दिनों में मैं अपने घर जा सकती हूँ, अपने छुट्टी कर सकती हूँ, जो मर्जी कर सकती हूँ। तो इस तरह से प्रभु ने मेरी इतनी सहायता करी। तो मुझे ये लगता था कि मैं एक दरवाजे को इतनी जोर से पकड़े हुए थी कि परमेश्वर जो है वो दूसरा दरवाज़ा मेरे लिए नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि मैंने ही अपनी जिद से वो दरवाज़ा पकड़ रखा था। सो मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हम बहुत ही प्रॉब्लम में होते हैं, बहुत परेशानियों में होते हैं और हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है लाइफ में। फिर हमको उस जगह को छोड़ना पड़ता है और उस जगह को छोड़ने से ही हमारा उद्धार होता है और हम देखते हैं कि प्रभु की क्या योजना थी उस परेशानी में, जो परेशानी हमने झेली थी। तो कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। इवन तो हमारे जीवन में जो है दुख आते हैं, हमें तब भी थैंक्स कहना चाहिए गॉड का और हमें कहना चाहिए गॉड आपकी इसमें भी कोई अच्छी योजना है और मैं आपको थैंक्स कहती हूँ। और फिर होती है प्रेयर ऑफ एडोरेशन। प्रेयर ऑफ एडोरेशन मीन्स जब हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, जैसे कि अभी हमने गाने गाए कि हो तेरी स्तुति और आराधना, फिर हमने गाना गाया तेरी स्तुति और आराधना। तो इस तरह से क्या होता है कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि जो आसमान में जो है दूत लोग, फरिश्ते लोग भी क्या करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य अगर आप देखें तो कई तरह के, कई कैटेगरी के जो है फरिश्ते होते हैं जो परमेश्वर की प्रशंसा हर समय करते रहते हैं और वो कहते हैं होली 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 इज आर गॉड। सो ही wants us to praise him all the time. God wants us to praise him in every situation. और हमारे गीतों से, हमारी प्रार्थनाओं से और हमारे नाचने से, हमारे गाने से, हमारे खुश रहने से, हमारे स्माइल देने से, हर चीज़ में परमेश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए। और जब हम स्माइल करते हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत से लोग खुश हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता हमारी स्माइल से, लेकिन वो हमारी स्माइल ही देख के इतने खुश हो जाते हैं कि वो उनका वक्त एकदम बदल जाता है और वो भी हमारे साथ साथ स्माइल करने लगते हैं। तो इस तरह मेरे प्रियो, कभी कभी हम कुछ नहीं दे सकते किसी को, लेकिन अपनी स्माइल दे सकते हैं, अपना सांत्वना भरा हाथ उनको दे सकते हैं, अपने आँखों में उनके लिए प्रेम दिखा सकते हैं, उनके लिए हम सहानुभूति दिखा सकते हैं और हम उनके कंधे पे हाथ रख सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा तसल्ली महसूस करते हैं। तो ये होती है परमेश्वर की एडोरेशन। जब हम परमेश्वर को अडोर करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को अडोर नहीं करते हैं तो हमारे मन में हमेशा गलत गलत विचार आते हैं और हम गलत गलत काम ही करते चले जाते हैं। सो एडोरेशन टू गॉड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे हम चर्च जाते हैं तो वहाँ भी हम परमेश्वर को अडोर करते हैं, वहाँ पर हम गीत गाते हैं और वहाँ हम जबूर पढ़ते हैं, वहाँ पर हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन सब चीज़ों से परमेश्वर जो है वो प्रसन्न होता है। पहले तो बहुत ही डिफरेंट प्रकार से लोग जो है परमेश्वर को एडोर करते थे, जैसे कि सैक्रिफाइस चढ़ा के और परमेश्वर के मंदिर में धूप वगैरह जला के, पर आज जो है हम अपने ही होठों से परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं, अपने मन से कर सकते हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए परमेश्वर की प्रशंसा के लिए। इवन ये नहीं कि हमारे पास चर्च हो तभी हम प्रशंसा करें, हम कहीं भी हों, अपने घर में हों या बस में हों या सड़क पे हों, हम कहीं भी हों, हम परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रेयर ऑफ एडोरेशन। देन फोर्थ टाइप ऑफ प्रेयर इज़ द प्रेयर ऑफ कन्फेशन। तो
प्रेयर ऑफ कन्फेशन मीन्स जब हम अपने पापों को मान लेते हैं। बहुत बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम हर रोज़ झूठ बोलते हैं, हम हर रोज़ किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, या हर रोज़ हम गॉसिप करते हैं, या हर रोज़ हमारे मन में किसी के लिए गलत विचार आते हैं। तो ये सब क्या होता है कि ये सब पाप होता है, ये सब गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन से होती हैं। और हम मनुष्य जाति होकर, मनुष्य के स्वभाव में होकर बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने में हर रोज़ करते हैं, और कभी कभी तो हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी कर देते हैं। तो उसके लिए हमको कन्फेस करना है, बिकॉज जब हम कन्फेस करते हैं तो प्रभु इतना दयालु है, प्रभु इतना क्षमा करने वाला प्रभु है कि वो हमको माफ़ कर देता है। और इसीलिए तो उसने जीसस क्राइस्ट को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को वो पूरी अथॉरिटी थी कि वो लोगों को माफ़ कर सकते थे। क्योंकि जब वो पैरालिटिक मैन उनके पास लाया गया, चारपाई पे रख के, बेड पे रख के, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। तो और इसी तरह उसने उस स्त्री को जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई, उसको भी कहा कि तुझे मैं भी कुछ नहीं कहता, मैं क्षमा करता हूँ। और प्रभु ने अपना लहू बहा दिया हम सबको क्षमा करने के लिए। उसने क्रूस पर से भी कहा कि मैं जो हूँ इन सब लोगों को क्षमा करता हूँ, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो हमारा काम क्या है कि जब हम गलती करते हैं तो हमको उसकी क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी होता है। और हमें तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि हम डायरेक्टली परमेश्वर के पास जा सकते हैं और परमेश्वर से हम क्षमा मांग सकते हैं। और हमारे बीच में जो हाई प्रीस्ट है वो है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह खुद भी परमेश्वर है। क्योंकि अगर हम जॉन चैप्टर 1:1 पढ़ें तो हम सबको पता है कि उसमें क्या लिखा है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। तो जो प्रभु यीशु मसीह है वो वचन उसको कहा गया है, और वचन जो है आदि में था, और परमेश्वर भी वचन की बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, महिमा करते हैं और उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हम क्या बता रहे थे कि हमारी जो कन्फेशन वो बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई भी गुनाह करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो हमको तुरंत कन्फेस करना चाहिए। ये नहीं कि हम परमेश्वर से ही कन्फेशन करें, हमें एक दूसरे से भी कन्फेशन करना है। अगर हस्बैंड वाइफ में आपस में झगड़ा हुआ है तो उनको सोने से पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए, और सोने से पहले एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसी कड़वाहट को लेके सो जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे रोग हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, दिल की बीमारी, नींद नहीं आना, और हमारी पाचन शक्ति का कमज़ोर हो जाना, और हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें रहना, दिमागी प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाना। तो इसीलिए परमेश्वर ने जो है कन्फेशन पे, एक दूसरे से कन्फेशन के लिए, और परमेश्वर ने अपने से भी कन्फेशन के लिए इतना जोर दिया है कि हमको हर रोज़ कन्फेशन करना है। क्योंकि हर रोज़ हम गलतियाँ करते हैं, ये नहीं कि बड़ी बड़ी गलतियाँ हमसे हो तभी हम कन्फेस करें, पर अगर हम किसी के लिए बुरा भी सोचते हैं तो हमें जाके उससे माफ़ी मांगनी चाहिए कि सॉरी मैंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा। और मेरी एक सिस्टर थी, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और वो मुझसे एक दिन आके बोलने लगी, रेणुका आई एम वेरी सॉरी। फिर मैंने सोचा कि वो इतनी बड़ी सिस्टर होके, इतनी बड़ी अधिकारी होके मुझसे क्यों सॉरी कह रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे क्यों आप कह रहे हैं। तो वो शी वॉज नॉट इंडियन, शी वॉज फॉरेनर, यस, सिस्टर हैरेट हर नेम वॉज, एंड शी सेड आई ऑलवेज थॉट बैड अबाउट यू, एंड आई थॉट यू वर नॉट ए नाइस पर्सन, एंड नाउ आई रियलाइज व्हेन यू आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, नाउ आई रियलाइज दैट हाउ गुड एट हार्ट यू आर, एंड हाउ मच यू केयर फॉर द पेशेंट्स, एंड आई वॉज वेरी रॉन्ग in that thinking what I had for you, and she said I am very sorry for that. So here you see that unsaid, the thing which was not said, that also she considered as a sin, that she thought bad about me. So similarly we also think bad about so many people,
so we should say sorry to them. And then intercession, fifth is the intercession prayer. जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो होती intercession prayer. Jesus Christ ने भी हमारे लिए प्रार्थना करी परमेश्वर पिता से, और वो घंटों प्रार्थना करते थे. सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करने चले जाते थे और घंटों वो प्रार्थना करते थे, वो अपने चेलों के लिए, हम सब के लिए, और इवन जो आजकल विश्वासी लोग हैं उन तक के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में जब वो इस धरती पे थे तब प्रार्थना करी. तो वो होती है प्रेयर ऑफ इंटरसेशन. जब हमारे बीच में कोई बीमार होता है या कोई फेल हो जाता है या कोई मुसीबतों से जा रहा होता है, तो जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी के चंगा होने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो भी होती है प्रेयर ऑफ इंटरसेशन. सो ये पांच तरह की मेन प्रेयर होती है. जैसे फिर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. फर्स्ट इज़ द प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन, सेकेंड इज़ द प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग, थर्ड इज़ द prayer of adoration, and fourth is prayer of confession, and fifth is the prayer of intercession. So many times we talk about the prayer, and this is our daily life, the daily this topic comes. When we get up, we pray. When we have food, we pray. When we go to sleep, we pray. When we are traveling, we pray. So this is a common topic in our life, but very important topic. So we should have a prayerful life. And then many times we have seen that Jesus taught us how to pray. Jesus taught us in Matthew chapter 6 how to pray, and that just now we had discussed the Hamare Baap, our Father who art in heaven. So he taught us how to pray. And what are the examples of Jesus praying? I would like to discuss with you. Other things about Jesus taught us about prayer, I'll just share. I'm just looking at the references. Jesus taught us how to pray in Mark 1, first chapter and verse 35. Then he taught, he also gave importance to prayer in Matthew 14:23, then in Mark 6:46, and then in John 6:15. So Jesus ये जानकर कि मुझे राजा बनाने के लिए लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, वो उन्होंने क्या किया, वो भीड़ से दूर हो गए. He left the crowd and he went to the hills. He went to the mountain to pray. तो here Jesus की लाइफ से हम देख रहे हैं कि Jesus जब भी मुसीबत में फंसे तो उन्होंने क्या किया कि वो एकदम सेपरेट हो गए दुनिया से, और उन्होंने क्या किया, जाके प्रार्थना करी. और इसी तरह से जब लोग हमारे पीछा करने लगते हैं, जब शैतान हमारे पीछे पड़ जाता है, तब हमें भी सब चीज़ों से अलग होकर और प्रार्थना करना शुरू कर देना चाहिए. तो ये होना चाहिए हमारे लाइफ का मकसद और हमारी क्रिया. और बाधाएं क्या क्या आ जाती हैं, एक तो बाधा ये है कि जब हम जीसस के नाम में प्रार्थना नहीं करते हैं. बहुत बार क्या होता है कि मैंने चर्च में सुना है और बहुत सारे पास्टर्स को, बहुत सारे बिलीवर्स को भी सुना है कि वो क्या करते हैं कि प्रार्थना तो पूरी कर लेते हैं, बट वो ये नहीं कहते इन द नेम ऑफ जीसस. इन द नेम ऑफ जीसस प्रार्थना करना बहुत बहुत ज़रूरी है. तो इन द नेम ऑफ जीसस we have to say in the end, that only, then only our prayer is complete prayer. So this is what we forget always, that we don't pray in the name of Jesus. So this is written in the Bible, that whenever you pray, whatever you ask God, you ask it in the name of Jesus. So always when we are finishing the prayer, we have to say in the name of Jesus. It is just like a check, a blank check. When somebody gives us blank check with the signature, then we know that we can get how much money we need, whether we need lakhs of rupees or more lakhs or crores of rupees, we can get through that check, because that man may be very rich,
So similarly, when we pray in the name of Jesus, all our prayers are heard, and God wants us to pray in the name of Jesus. So my dear ones, always remember that we have to pray in the name of Jesus. Always say in the end, I ask this prayer in the name of Jesus. Never forget this thing, and then you see that how the blessings will flow in your life. The blessings will flow in mine and your life. So we have to pray in the name of Jesus. The Jesus ne kaha ki tum jo kuch bhi mere naam se mangoge wo main tumko dunga. Aur ye likha hua hai John chapter 16 verse 23 to 24 mein. John chapter 16 verse 23 to 24 usme likha hua hai us din tum mujhse puchoge aur main tumse sach sach kehta hu yadi pita se kuch mangoge to woh mere naam se tumhe dega. Ab tak tumne mere naam se kuch nahi manga, mango to paoge aur taki tumhara anand pura ho jaye. तो जब हम पिता से मांगते हैं तो वो हमको देता है, और उससे क्या होता है कि हमारा आनंद जो है वो पूरा हो जाता है. हम आनंदित हो जाते हैं और हम पिता से कोई चीज़ पाकर कितने खुश होते हैं. जब कोई बच्चा अपने पिता से साइकिल मांगता है बचपन में, और जब उसका पिता उसको साइकिल ला के दे देता है, तो वो बच्चा कितना खुश होता है, और वो पूरे घर में नाचता है, गाता है, और अपने पिता को चूमता है, अपने पिता को बहुत थैंक्स कहता है, और सबको अपने दोस्तों को भी बताता है कि देखो मेरे पापा ने मुझे साइकिल ला के दी. तो इसी तरह से जब परमेश्वर हमको कुछ देता है तो हमारा मन जो है वो आनंद से भर जाता है. और दूसरी चीज़ जो है हमें याद रखनी चाहिए कि प्रेयर में बाधाएं क्यों आती हैं. नंबर वन, हमने देखा कि जब हम प्रेयर जीसस के नाम में नहीं मांगते हैं तब हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, हमारी प्रेयर्स नहीं सुनी जाती हैं. और दूसरा कारण है कि जब हम परमेश्वर की प्रॉमिसेस को प्रेयर से कनेक्ट नहीं करते हैं, परमेश्वर की जितनी भी प्रॉमिसेस हैं उनको हमें प्रेयर से कनेक्ट करना है. जब हम उनको प्रेयर से कनेक्ट करते हैं, परमेश्वर की प्रॉमिसेस को साथ साथ बोलते हैं, तो क्या होता है पर जो परमेश्वर जो है ज़्यादा सुनता है, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रॉमिसेस पर निर्भर कर रहे हैं. तो कहते हैं ना कि जो तुम मुझसे चाहते हो मुझसे मांगो, किसी उस पर डिपेंड नहीं करो, किसी के घोड़े, किसी के हाथी, किसी के धन पर, किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं करो, क्योंकि मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो मेरे पास है. सो आर गॉड इज़ ए ग्रेट गॉड एंड ही कैन गिव अस द ग्रेट थिंग्स बिकॉज ही इज़ ए ग्रेट गॉड. सो आस्क फॉर एनी थिंग इन द इन फ्रॉम द लॉर्ड एंड think that he is our loving father and he can provide each and everything whatever we desire and need, but we have to abide in Jesus. And the prayer has to be done in faith. जैसे कि हम गॉड से कुछ भी मांगते हैं तो हमारे अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है. एक बात की बात है कि एक जगह बारिश नहीं हो रही थी और सारा वहाँ पे सूखा पड़ गया था, और लोग जो थे वो बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि वहाँ पर अनाज नहीं पैदा हो रहा था और लोग भूखे मर रहे थे. और एक दिन सारे जो एल्डर्स होते हैं उस गांव के, उन लोग ने सोचा कि हम एक मंदिर है, मतलब चर्च है, वहाँ चल के हम प्रार्थना करेंगे. और किसी ने बताया था कि वहाँ चल के प्रार्थना करने से परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, तो ऐसा विश्वास होता है लोगों का. तो वो लोग क्या करें, वो सब लोग तैयार होके जा रहे थे, और उनके बीच में ही एक छोटी सी लड़की थी, और छोटी सी लड़की ने क्या किया, एक अम्ब्रेला अपने साथ रख लिया था. अब सारे लोग उसको देख के हंसने लगे, और वो कहने लगे कि उससे पूछने लगे, अरे तू अम्ब्रेला लेके क्यों जा रही, कोई बारिश थोड़ी ना हो रही है. तो वो लड़की कहती है, बड़े सहज ढंग से कहती है कि हम प्रेयर करने जा रहे हैं ना कि बारिश होगी, तो मुझे पता है कि परमेश्वर हमें बारिश देगा. तो उस तरह का विश्वास हमारे मन में होना चाहिए कि परमेश्वर हमको वो देगा जो हम मांग रहे हैं, जो हम मांगने जा रहे हैं. तो परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास रखना है.
और अगर हम उस पर विश्वास नहीं करके प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है कि हम बालू के ऊपर अपना घर बना रहे हैं, और जब हम उस पर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं तो दैट मीन्स कि हम पत्थर पे अपना घर बना रहे हैं और वो घर कभी नहीं टूटेगा। और आपको वो गाना भी याद होगा कि क्या बुद्धिमान ने चट्टान पे बनाया अपना घर। तो जो चट्टान पे घर बनाते हैं उसका मतलब है उनके अंदर फेथ होता है, और एक राई के बराबर भी अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम एक पहाड़ से कह सकते हैं कि तू इस जगह से उस जगह जाके गिर जा तो वो हो जाएगा। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि हमारी प्रार्थना में विश्वास बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने भी विश्वास किया कि अगर ये दरवाज़ा प्रभु ने बंद कर दिया मेरे लिए तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे विश्वास था कि हाँ मेरे लिए एक बेटर डोर खुल जाएगा। अभी जो मैं इतने परेशान हूँ, ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और मुझे बहुत अच्छी जगह मिलने वाली है। तो इस तरह से हमें परमेश्वर की प्रॉमिसेस पर विश्वास करना है। और एक ऐसी वर्स है जो कि एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 24 है, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 24, उसमें ऐसे लिखा है, उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना और ना उनके कान लगाना, वरन उन मूर्तियों को क्या करना, उनको फेंक देना। सो परमेश्वर जो है वो मूर्ति पूजा से वो बहुत ही नाराज होता है, वो हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता कि हम किसी और गॉड को हम माने या किसी और गॉड की पूजा करें, क्योंकि वो हमारा सच्चा और महान परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसी की उपासना करें। तो जब हम ऐसा करते हैं तब वो हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनता है। फिर फिलिपियन 4:19 में लिखा है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा में है, परंतु फिलिपियन 4:19 में लिखा हुआ है कि वो अपने भंडार से हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। और अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने भंडार से हमारे सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा तो फिर मेरे प्रियों वैसा ही होगा। और इसी तरह से हमें वर्सेस को मेमोराइज कर लेना चाहिए। सो जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमको क्या है, वो वर्सेस हमारे आत्मा में हमको याद आती हैं और हम उन वर्सेस से क्या करते हैं, प्रॉमिसेस को क्लेम कर सकते हैं। एक और परमेश्वर की प्रॉमिस है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है अयजाया चैप्टर 53 वर्स 5 में, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण ही कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके गोड़े खाने से हम चंगे हो गए। सो माय डियर वंस, व्हेनेवर वी आर सिक, व्हेनेवर समवन इज सिक, वी हैव टू से दिस प्रॉमिस दैट बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड, बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड। उसने कोड़े खाए हमारे लिए, हर बीमारी के लिए उसने कोड़े खाए हैं, और हम जब उसमें विश्वास करते हैं तो हीलिंग हमारे अंदर फ्लो करती है। सो ये वाली वर्स भी हमको रिपीट करना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट की वो क्यों प्रार्थनाओं को आंसर नहीं देता है, वो पॉइंट है कि हमारे अंदर फियर ऑफ गॉड नहीं होता है, हम गॉड से डरते नहीं हैं, हम जो भी हमारे मन में आता है हम उसको करते हैं और हम उसको गलत काम को करते ही चले जाते हैं। तो वो होता है कि फियर ऑफ गॉड हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि फियर ऑफ गॉड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम। सो मेनी टाइम्स सोलोमन हैज सेड दैट फियर ऑफ गॉड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम। सो यहोवा का हाथ जो है वो छोटा नहीं हो गया कि वो हमारा उद्धार ना कर सके, और ना तो वो बहरा हो गया है कि वो हमारी सुन ना सके। सो मेरे प्रियो, हमें गॉड से
गॉड का फियर मानना है कि गॉड जो है वो बहुत ही महान आत्मा है, परमात्मा है, और वो हमारी हर बात को सुन सकता है और उसको पूरा कर सकता है। और साथ में वो जब हम गलतियां करते हैं उससे माफ़ी नहीं मांगते हैं और हम पाप में धंसते चले जाते हैं तो वो हमको सज़ा भी दे सकता है और हमें नाश भी कर सकता है। तो ये होता है फियर ऑफ गॉड। John 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा जो तुम मांगोगे। तो उसका वचन हमारे अंदर बना रहना है, तभी हम जो भी कुछ मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। और फिर जो बाधा जो होती है, बाधा नंबर एक और बाधा होती है जो कि हमारे जीवन में आती है, जो कि गॉड्स वर्ड इज़ नॉट कनेक्टेड। जब हम गॉड का वचन उस बाधा से कनेक्ट नहीं करते हैं तब भी वो बाधा जो है हमारे जीवन में आती है। अभी तो हमने देखा था कि हम प्रॉमिसेस को कोट नहीं करते हैं तब बाधाएं जो है हमारे जीवन में आती हैं। और बाधा नंबर 4 क्या होती है कि जब हम गॉड का जो वर्ड है उसको कनेक्ट नहीं करते हैं तो उससे भी हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब डेविड ने पाप किया तो उसका जीवन कितना निरर्थक हो गया, उसका जीवन कितना बेकार हो गया, वो कितने डिप्रेशन में चला गया, उसके अंदर कोई ताकत नहीं रही। तो वो चीज़ जो है हमें सोचनी है और हमें ये सोचना है कि अगर हम गलती करेंगे तो गॉड हमसे नाराज़ हो सकता है। और दूसरी जो लास्ट बात है वो ये है कि जब हम प्रेयर में स्पेसिफिक नहीं होते, हम प्रेयर में क्या कहते हैं, ब्ला 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 बोलते रहते हैं, परमेश्वर हमको अच्छा रख, परमेश्वर हमारे परिवार को अच्छा रख, परमेश्वर हमको धन दे, परमेश्वर हमको अच्छी हेल्थ दे, तो क्या होता है कि हम बिना तीर मारे ही हम क्या कर रहे हैं, धनुष चला रहे हैं, बिना तीर मारे हम शिकार कर रहे हैं। तो ये उस तरह से होता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि आपको स्पेसिफिक होना है, जिस आपको पर्टिकुलर होना है, आप जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस बात के लिए आपको नाम लेके प्रार्थना करना है। जैसे कि हमारे मसीह मंडली में कोई अगर बीमार हो जाता है तो हम कहते हैं, अगर हमारे आगरा मसीह मंडली में कोई बीमार है तो उनको चंगाई दे। पर अगर हम नाम लेके प्रार्थना करते हैं कि सो एंड सो, मिस्टर सो एंड सो, मिसिस सो एंड सो, ये हमारी बहन या ये हमारे भाई ये बीमार हैं, परमेश्वर तू उनको अपने चिदे हुए हाथों से चंगाई दे, आपके कोड़े खाने से वो इंसान जो है वो चंगा हो जाए। और जब हम नाम लेके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जल्दी सुनते हैं। और दूसरी बात है कि हम अगर हन्ना को देखें तो हन्ना जो थी वो बांझ थी और उसने चर्च में जाके प्रार्थना करी एक बच्चे के लिए कि उसको एक मेल चाइल्ड हो। उसने ये भी नहीं कि उसको कोई भी बच्चा हो, लड़की हो या लड़का हो, उसने क्या किया, उसने एक लड़के के लिए प्रार्थना करी, एक सन के लिए प्रार्थना करी। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक थी अपनी प्रेयर में और उसकी स्पेसिफिक प्रेयर को गॉड ने सुना और उसने सुनकर उसकी प्रेयर को पूरा किया और हन्ना जो है वो माँ बनी और उसका बेटा जो है वो इतना बड़ा प्रभु का जन बना कि वो इस इज़राइल का लास्ट जज था और उसको परमेश्वर ने कितना इस्तेमाल किया। तो हन्ना को इसीलिए वेट करना पड़ा क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हन्ना जो है वो स्पेसिफिकली प्रार्थना करे और बहुत इंतज़ार के बाद जब वो परमेश्वर के पास आए तो वो कहे कि जो भी मुझे बेटा पैदा होगा वो मैं तेरी सेवा में लगा दूंगी। और वो टाइम था जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपना सब कुछ उसको अर्पित कर दें और सब कुछ उसको समर्पण कर दें, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो मेरे प्रियो, जरूर इस मैसेज से हम सबको बहुत ब्लेसिंग मिली होगी और हमने देखा कौन कौन सी बाधाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। एक तो जब हम जीसस के नाम में प्रेयर नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थना रुक जाती है, और दूसरी जब हम परमेश्वर के वचन की प्रॉमिस को कोट नहीं करते हैं, उसके प्रॉमिस को नहीं बोलते हैं, तब भी हमारी प्रार्थना रुक जाती है। और तीसरा हमने देखा था कि फियर ऑफ गॉड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें परमेश्वर से डर के रहना है और हमें जानना है कि वो कर...
अभी भी हमको क्या कर सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं अगर हम गलती पे गलती करते जाते हैं। और फिर लास्ट में हमने देखा कि हमें प्रेयर में बहुत स्पेसिफिक होना है, हमें एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है, और कभी कभी प्रेयर का आंसर और भी कारणों से होता है, तो उसके बारे में हम किसी और चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे कि कभी कभी शैतान के द्वारा भी जो है प्रेयर हमारी रुक जाती है, जैसे डैनियल के जीवन में हुआ था, तो उसके बारे में हम एक बार फिर से दूसरे चैप्टर में जिक्र करेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड यू विल फॉलो दिस गॉड्स टीचिंग एंड अप्लाई इन योर लाइफ एंड लेट अस प्रे। Dear gracious loving Heavenly Father, I come to Thee, praise You Lord Jesus for this time, for this wonderful time, for speaking to us dear Lord, and for blessing each one who has listened to this word. Dear Father, those who listen to it in the future, bless them also and bless each one of us, for we ask all this in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. So God bless each one of you, and till we meet again on which day? On Tuesday. I will be in Punjab that day, but I hope that I'll be preaching from Punjab on coming Tuesday. So please pray for my journey tomorrow and keep myself and my work in your prayer. In Jesus' name. Thank you so much. God bless all of you. Aur ek bar phir se Jai Masih ki, praise the Lord.